महाराज की बीसवीं सदी के जाजोल्लीमान मार्तंड ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमन जी महाराज अपने निवास में विराजमान, संत मत के आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजन अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। हमारे आज के मन संचालक महोदय श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश बाबू, अभी आप लोग परम श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से सुन रहे थे, जो जड़ को चेतन करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही बजह जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना देता है और चेतन को जड़ बना देता है, ऐसे जो समर्थ राम जी हैं, परमात्मा है, ईश्वर है, उनका जो भजन करता है वो धन्य है। मैं परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव जिनकी पावन जयंती और 139वीं पावन जयंती मनाने आया है, इनके संबंध में मैं क्या कहूँ। मैं अभी मधेपुरा जिला में सत्संग कर रहा था, एक विद्यार्थी दीक्षा लेने के लिए आया था, मैं उसको दीक्षा दे रहा था। दीक्षा देने के बाद फूल की माला ऊपर करते हैं और कहते हैं गुरु महाराज का ध्यान करो। वो ध्यान करने लगा, फिर वहां खोल करके भागने लगा, बहुत दूर तक भागा। मैंने कहा कहां भागा जा रहा है, थोड़ा दूर भाग करके फिर आ गया, रोने लगा हमारा पैर पकड़ के। बोला क्यों तुम भागा, क्यों जा रहा था। बोला स्वामी जी हम क्या बताएं, हम जिनका ध्यान कर रहे थे ना महर्षि मेही परमन जी महाराज के, वो हमारे ध्यान में प्रकट हो गए और वो लुप्त हो गए, तो मैं उनको ढूंढने के लिए भागने लग गया था। कैसे कैसे साधक है बताइए। आप लोग अपने काम धंधा को छोड़कर के आए हैं, गुरु महाराज की कितनी महिमा है। गुरु महाराज ने यहां 18 महीना तक गुफा में ध्यान साधना किया है, नादा अनुसंधान की क्रिया किया है और उस परमात्मा को उपलब्ध किए। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमन जी महाराज ने विवेकानंद जी को तैयार किया, चाहे तो सोचे होंगे कि कितना को मैं पढ़ाऊंगा, एक को मैं बढ़िया से ठोक ठोक करके पढ़ा दूंगा और वो पूरी दुनिया को जगा देगा। विवेकानंद जी के अंदर जब कुतूहल प्रकट हुआ, बहुत लोगों के पास गए, क्या ईश्वर को देखा है, और पता लगा कि रामकृष्ण परमन जी महाराज पहुंचे भी संत है, उनके पास चला गया और उनसे भी यही पूछा,
क्या आपने ईश्वर को देखा है? राम की परमंश ने टकटकी लगा करके देखा और कहा, मैं देखा ही नहीं, तुम्हें भी दिखा सकता हूं। एक लात मारते हैं और विवेकानंद जी महाराज नीचे गिर जाते हैं और समाधि लग जाती है। बहुत देर तक समाधि में रहते हैं, फिर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माथे पर हाथ रखते हैं, कहते कैसा लग रहा है? बोला मैंने ईश्वर को देख लिया है, मैंने ईश्वर को देख लिया है। हमारे गुरुदेव ने भी ईश्वर को दिखाया है। किनको दिखाया है जानते हैं? महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज को दिखाया है, महर्षि साहि स्वामी जी महाराज को देखा है, और हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज, और हमारे दल बहादुर दास जी महाराज, और ना जाने श्रीधर दास जी महाराज, ना जाने कितने महापुरुषों को दर्शन करा दिया है, और मैं नहीं जानता हूं कि कितने को दर्शन करवा दिए हैं। तो हमारे गुरुदेव ने भी, हमारे बाबा साहब ने महर्षि में ही को तैयार किया। एक बार चिट्ठी लिखते हैं बाबा साहब, चिट्ठी लिखते हैं महर्षि मेही को, क्या लिखते हैं? देवी मेही को दंडवत करता है। बहुत आश्चर्य की बात है, लोग कहते हैं कि स्वामी जी बाबा साहब ऐसी चिट्ठी क्यों लिखते हैं? बाबा साहब तो महर्षि मेही के सदगुरु थे, तो वो ऐसा क्यों लिखते हैं देवी मेही को साष्टांग दंडवत करता है? मैंने कहा देखो जी, सदगुरु के सामने अगर शिष्य भी सदगुरु बन जाता है, ध्यान साधना में पहुंचकर उस परमात्मा को जान लेता है, तो ऐसे सदगुरु भी अपने शिष्य को देखकर प्रसन्न होते हैं और ऐसे शिष्य को साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम भी अपने जीवन में साधन करें, भजन करें, सत्संग करें। ओम प्रकाश मंडल जी थे हमारे, ओम प्रकाश मंडल जी तो मंच का संचालन कर रहे हैं, ये भी बड़े बड़े मंच पर जाते हैं। और हमारे ओम प्रकाश मंडल जी कौन थे? पूर्णिया जिला के, उनकी धर्मपत्नी का ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन जब चला तो बेहोश हो गई, बहुत देर तक होश में नहीं आई। और डॉक्टर साहब महर्षि मेही का नाम सुने थे बहुत बार, लेकिन दर्शन नहीं हुआ था। जब बहुत देर तक होश में नहीं आई तो डॉक्टर साहब घबरा गए कि लगता है रोगी मर गया। उनका पर्चा लेकर के वो बाहर निकलने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, एक बूढ़े बाबा हाथ में लाठी लेकर खड़े हैं और उस माता जी के माथा को छू देते हैं और माता जी उठ करके बैठ जाती है। डॉक्टर घबरा जाता है, पर्ची लेकर बाहर निकलता है, उसमें लिखा हुआ है नाम में रजिस्ट्रेशन में ओम प्रकाश मंडल। पूछते ओम प्रकाश मंडल कौन है? तो राधाबाई जिनका ऑपरेशन हो रहा था उनके पति बरामदा में बैठे थे। सर मैं ही ओम प्रकाश मंडल हूँ, आप ही ओम प्रकाश मंडल हो? बोला हाँ। तो कितने लोग ऑपरेशन कराने के लिए आए थे? तो कहा कि हम चार व्यक्ति आए थे। बोले कौन कौन? बोला एक हम थे, एक हमारी धर्मपत्नी थी, एक हमारी बड़ी बहू थी। तो बोला तीन ही आदमी तो हुआ, चौथा कौन था? तो बोलते हैं कि चौथा हमारे गुरु महाराज महर्षि मेही परमहंस जी महाराज आए थे। बोला आपके गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस हैं? उनका नाम बहुत सुना था, आज उनका दर्शन मैंने साक्ष बिल्कुल स्पष्ट किया। जब मैं उनका ऑपरेशन कर रहा था, राधाबाई तो मर गई थी, लेकिन गुरुदेव ने उनका मस्तक छू दिया था और वो उठ करके बैठ गई थी। आपके गुरुदेव इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं, साक्षात परमात्मा है, महर्षि मेही साक्षात परमात्मा। तो ऐसे सदगुरु को पाकर के हम धन्य हैं। सदगुरु को तो नमन ही करते हैं, इनके माता पिता को नमन करते हैं, मझुआ ग्राम को नमन करते हैं, और जिस गुफा में गुरु महाराज परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
गुरु महाराज के चरणों में भक्ति पुष्प अर्पण करता हुआ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी संत मत के उद्घाटक विद्वान डॉक्टर स्वामी विवेकानंद। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु, देखिए आराध्य देव के जयंती मनाने के लिए उपस्थित है सभी को। आराध्य देव के जयकारे में कंजूसी कर लिए थे हुआ है। जब भगवान रामे कह दिए सातम समय मोहि मई जगह देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण कह दिया मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन हमसे न्यारे। आराध्य देव कह दिया है सहित त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, सहित त्रिदेव कोटि तैतीस सुर करे सदा गुरु सेव जी। गुरु सेवा सम कौन सेवा में ही कर गुरु सेव जी। तो ऐसे संसद को जयकार मनाने में कंजूसी कर दी हुआ, जरा एक बार हृदय खुल के जयकार लगाऊ। बोलिए प्रेम से मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे शर्वाय धार मंगल माये मंगल करुण बिनबो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाय जो कछु कहूँ तुम्हेरी कृपा मौत कछु न बसाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में सभी गुरुजनों को मेरा नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के श्री चरणों में मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सभी सुन चुके हैं, सबों को ज्ञात है कि आराध्य देव सदगुरु महाराज के जयंती मनाने के लिए इस आराध्य देव के तपोभूमि में पवित्र स्थल कुप्पा घाट पहुँचे हैं। और आराध्य देव के व्यक्तित्व पर हम लोग सुन रहे थे बहुत देर से। ऐसे महान संत के बारे में कुछ भी बड़ाई करना सूरज को दीपक दिखाने के ही सदृश होगा, चाहे कितना ही बड़ाई करें। ऐसे संत सद्गुरु हमेशा वर्तमान, जो अपने को
परमात्मा मिला लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, वे जम मंत्र शरीर त्याग देते हैं, वो मृत्यु पर उनका अधिकार हो जाता है। इसलिए ऐसे संत के लिए वहाँ भगवान राम भी बड़ाई किए हैं और सुन भी चुके हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ गई कुप्पा घाटी की, कभी सुने होंगे, बहुत बार याद आ जाएगी। कुप्पा घाटी जहाँ आराध्य देव का निवास है, और संत की बात तो कहता हूँ कि तम पढ़ करके सुन करके गुरुदेव की देखी हुई बात सुना रहा हूँ, कई के बाद सुने भी होंगे। 20 जनवरी की बात कह रहा हूँ, 84 ईस्वी और 9 रात्रि की बात, कुप्पा घाटी के जहाँ गुरुदेव का निवास है ना, जहाँ अस्थि कलश है गुरु निवास में, उसी जगह की बात कह रहा हूँ। संक्षेप में सुनो, अब सुने भी हैं। मैं उस समय गुरुदेव के साग भंडारी था, मैं रोटी बना रहा था चौका में, गुरुदेव को भोजन करा रहे थे पूज्यपाद महाशंसी महाराज। और भोजन करते करते गुरुदेव समाधि में चले गए, जिसको साधारण दृष्टि में कह सकते हैं कि शरीर मर गए, संत की दृष्टि में शरीर त्याग दिए। अब पूज्यपाद भोजन कराते करा रहे थे, भोजन कराते कराते जो गुरुदेव अंतर्धान हो गए तो पुकारने लग गए, हजूर हजूर हजूर। कई के बाद तहराए तो शब्द में गुण होता है और सुनने वाले को गुणान्वित कर देता है। शब्द में गुण था करुणापन, तो मेरे मन में हो गया लगता है कोई बात हो गई, मैं थोड़ा घबरा भी गया, मैं हाथों नहीं धोया, सीधे दौड़ गया चौका से ऊपर गुरुदेव के कमरा में। तो आता हूँ तो देखता हूँ गुरुदेव को पकड़े हुए हैं पूज्यपाद महाशंसी महाराज। उस समय पूज्यपाद महर्षि सहाय स्वामी जी महाराज कुप्पा घाट के व्यवस्थापक थे, वे भी आ गए, वो भी बैठे हैं, उन्हें बगल में बैठ गए हैं, बरंडा पर भी लोग जमा हो गए, आश्रमवासी भी कुछ आ गए, एकाठ समाज के लोग भी आ चुके थे। बात फैल गई कि गुरुदेव शरीर त्याग दिए, शरीर त्याग दिए। मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, नजरों की बात कह रहा हूँ, सभी दुखी हैं। हुआ क्या, वहीं पर चर्चा ये भी हो गई, गुरुदेव जब हमारे सम सदगुरु बाद देवी साहब से युक्ति प्राप्त की थी नरानुसंधान क्रिया, तो बाबा साहब कहे थे कि अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो, तो गुरुदेव ने कहा था जो जीवन तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, भीख मांग के खाएंगे भोजन करेंगे। गुरुदेव ने कहा था नहीं, संत मत का नियम है स्वावलंबी जीवन, भीख मांगना नहीं। तुलसी कर पर कर करे अ करतर कर न करे, अ जादिन करतर कर के तादिन मरण करे, यानी मांगन मरण समान है, मत कोई मांगू भीख। नहीं कभी सब ये भी कह दिए कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज लेकिन परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। परमार्थ के लिए, शस्त्र मंदिर बनाने के लिए, बनवाने के लिए इत्यादि हम मांग सकते हैं, लेकिन अपने के लिए नहीं, अपने के लिए नहीं। और वह मांगा हुआ जो अपने में लगाएंगे तो नरक जाना पड़ जाएगा, यह बात है। तो बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, क्या करो हजूर, कहा बांस बाड़ी लगाओ, केला लगाओ, कुछ दिन बच्चों को पढ़ाना। तो गुरुदेव ने कहा था हजूर बांसे बाड़ी लगाते शरीर छूट जाए तो भजन कब करेंगे, तो बाबा साहब सिखाते हो बांस बड़े लगा शरीर छूट जाए। मैं कहता हूँ 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे, इसे जो कहता हूँ करो, सरकार तो वही करूँगा। तो गुरुदेव सिकरिया धरा में आम भी लगवाए थे, केला भी लगवाए थे, बांस भी लगाए थे, सब कुछ करवाए थे गुरुदेव आगे। तो गुरुदेव साधना भी की, साधना करते करते
जब अपने आप को पहचान लिए थे तो दो बार बोल गए थे कि बाबा साहब कहे थे स्वावर्ष बचोगे तब क्या खाओगे। इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके प्रभु तक जाने की रास्ता, परम शांति प्राप्त करने की रास्ता संसार के लोगों को बताता रहूं, जिस रास्ता पर चल कर मैं प्रभु को पाया हूं उस रास्ता की जानकारी हम संसार लोगों को देता रहूं, इसलिए 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। दो बार गुरुदेव बोल चुके थे 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल, तो 100 पूरेगा 1950 ईस्वी 28 अप्रैल में। अब मैं कहानी कह रहा 1984 ईस्वी 20 जनवरी नवरात्रि की बात सुना रहा था मैं, आसमान गुरुदेव शरीर त्याग दिए, सभी दुखी हैं। वहीं पर चर्चा ये भी हो गई कि गुरुदेव कहे थे कि 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ेंगे, तो 100 तो पूरा नहीं हुआ है, तो गुरुदेव की बात झूठ हो जाएगी? संत की बात झूठ नहीं होती है, संत वाणी में है, रवि कर तेज घटे नहीं ज्यों घन जुड़े घमंड, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। कि संत की बने औकात होती है तो गुरुदेव की बात झूठ कैसे हो जाएगी? वो कहते उनकी मौज पूरा नहीं किए, मतलब हम लोग ना कहते उनकी मौज, जो दूसरे संप्रदाय होंगे वो तो यही कहेंगे कि अगर महासद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संत हो जाते तो अपने वचन को पूरा कर देते, पूरा नहीं किए साधक रह गए। हाँ कोई कह तो सकता है लेकिन हमारे आराध्य तो पूर्ण संत थे, तो हम लोग ना कहते पूर्ण संत थे श्रद्धावश, लेकिन जो दुष्संप्रदाय के हैं वो तो नहीं कहेंगे, वो तो नहीं मानेंगे, वो तो कहेंगे नहीं संत की बात गलत नहीं होती है, अगर महर्षि में संत होते अपने वचन को पूरा कर देते। कहते हाँ सो तो कह रहे लोग तो नहीं मानेंगे, गुरुदेव को पूरा कर देना चाहिए, लेकिन सभी दुखी चर्चा चल रही है। होता क्या है एकाएक जैसे सब सुन लेते ना, एकाएक गुरुदेव डॉक्टर की पहचान स्थूल सूक्ष्म नहीं है, असंत गति होती अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूँ के पार, तो डॉक्टरों क्या पता चले। एकाएक गुरुदेव अस्थूल शरीर में आ जाते हैं और कहते हैं क्या समझता तुम, हम मर गए हैं स्व पूरा करके ही छोड़ूंगा, स्व पूरा करके 8/6/86 में दोबारा शरीर त्याग किए 9 रात्रि में दोबारा। उस दिन मैं गुरुदेव चरणों में ही था, 4 बजे भोर तक पूज्यपाद महाशंशु महाराज में वो ढास दे रहे थे कि गुरुदेव की समाधि नारी हल्की हल्की चल रही है, जैसे 84 में आ गए हम लोग प्रार्थना करें कहीं कृपा करके फूने आ जाए, उनकी कोई बड़ी बात नहीं शरीर आ सकते हैं, लेकिन अभी तो अपने गुरु के वचन पूरा करके चले गए फिर शरीर में नहीं आए। ऐसे संत के हम लोग संतान हैं, ऐसे संत के लिए कबीर साहब कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए, सब धरती कागज करो लेखन सब बन रहा साध शब्द की मशक करो और गुरु गुण लिखा न जाए। तो ऐसे हम संत के हम लोग संतान हैं, ऐसे संत जो कह दिए हैं कि परमात्मा प्राप्ति का रास्ता अंदर का है बाहर का नहीं है, पंच पाप से अपने को बचा कर रखो, नित प्रति साधना करो, एक ईश्वर विश्वास रखो, पूर्ण भरोसा उनकी प्राप्ति होगी अपने अंदर दृढ़ निश्चय रखो। तो ऐसे सदगुरु जो पूर्ण विश्वास रखेंगे भजन करेंगे उनका परम कल्याण होगा, ऐसे सदगुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं रहेगा औरों के वचन पर आशा रहेगा भरोसा रहेगा, जागृत कौन कहे स्वप्न में भी उनको शांति नहीं मिल सकती है, इसलिए ऐसे सदगुरु पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे सदगुरु हम लोगों का गुरु निवास भी बहुत सुंदर ढंग से भी बन रहा है, तनी मनी कसर है, तनी मनी कसर है, मुझे विश्वास है वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसे शुभकामना सदगुरु कुछ शुभकामना मैं प्रार्थना करता हूँ और सबसे भी प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करें कि कुछ लोग विघ्न करने वाले की सुबुद्धि दे, जो विघ्न डाले गुरुदेव काम में सहयोग करे। बोलिए श्री सदगुरु। और सज्जनों अभी हमारे बीच पूज्य पाद
गुरु चरण से भी स्वामी प्रमोद जी महाराज रोचक प्रसंगों के साथ गुरु महाराज की भक्ति में साधना समर्पण आस्था और विश्वास की बात कह गए। अब हमारे बीच गुरु महाराज की निजी सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु से भी भगवत जी महाराज सागर विराजमान हैं। जब तक प्रकाश समर्थ होगा अंधकार के विनाश में, जब तक उदित होते रहेंगे सूर्य शशि आकाश में, गुरुदेव का विस्तृत नाम तब तक रहेगा। संत ही अनश्वर जगत में जन्म लेकर संत मरते नहीं। ऐसे महान संत के तपोनिष्ठ शिष्य पुत्रकार गुरु सभी भगत जी महाराज सागर विराजमान है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आराध्य के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालने की कृपा करें। सब लोग अपने अपने मुंह को बंद रखेंगे। मैं गुरुदेव का छोटा छोटा दो संस्कृत सुनाऊंगा, बेसी नहीं। गुरुदेव भाई भी थे पटना राजद नगर, प्रातः काल का सत्संग संपन्न हुआ। वॉइस कम कीजिए थोड़ा सा।
जहाँ निवास था मोदी जी के यहाँ एक हॉल है, सत्संग हुआ था गुरुदेव के कमरे में। तो सत्संग के बाद इनकी मौज हुई, उन्होंने कहा भगीरथ, मैंने कही हजूर आज हमको ले चलो हॉल में बैठाओ। तो वहाँ पर जगह आसन लगा दिए, ले गए गुरुदेव को वहाँ बैठाए। मोदी जी का निवास स्थान पूर्व मुँह से और हम गुरुदेव को बैठाए उत्तर मुँह से। गुरुदेव बैठ गए, चेहरे पर मक्खी नहीं बैठी, इस ख्याल से मैं तौलिया ले करके इनकी ओर देखने लग गया। जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठता था, तो इनके चेहरे को देख रही हैं। गुरुदेव अपनी आँख बंद करके बैठे हैं, हमको लगता है इन्हीं की प्रेरणा से जरा मेरी नज़र ऊपर चली गई, ऐसे करके देखने लग गए। तो देखते क्या है, दीवार तो खड़ी है लेकिन छत नहीं है। बड़ा आश्चर्य को लगा, दीवार है छत नहीं है, छत तो था, हम ऊपर को देख रहे हैं। इतने में होता क्या है, उत्तर दिशा से चार महापुरुष, उनका चेहरा श्याम वर्ण का, दाढ़ी मोच कुछ नहीं, केवल बाल बिल्कुल काला बाल, पद्मासन लगाए, इस आसन से गुहिया अंग दिखाई नहीं पड़ी, ऐसे ऊपर से आए। जहाँ दीवार का अंतिम ऊपर था छोड़, वहाँ के स्थिर हो गए। मैं देखने लग गया, फोटो में जैसा देखा था, हमरे में पर भैया तो लगते हैं ब्रह्मा चार मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो आज बिल्कुल स्थिर हो गए और वे चारों गुरुदेव के चेहरे को देख रहे हैं, गुरुदेव को देखने लग गए। मैं गुरुदेव की ओर देखता हूँ, इनकी आँख बंद, उधर देखता हूँ वे चारों गुरुदेव को देख रहे हैं। फिर गुरुदेव को देख रहा हूँ आँख बंद, उधर देखता हूँ गुरुदेव को चारों दृश्य देख रहे हैं। लगभग हमको लगता है यह दृश्य एक मिनट हुआ होगा। एक आए गुरुदेव अपनी आँखों को खोलती है, ऐसे ऊपर की नज़र करती है, नज़र हम नज़र मिला। इसके बाद धीरे धीरे ये चारों महापुरुष जैसे आए थे उत्तर दिशा से, वैसे खिसकने लग गए। हम देख रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे जा रहे जा रहे हैं। एकाएक छत लग गया, दृश्य समाप्त हो गया। अब देखिए हम लोग गुरुदेव कैसे थे, चार महापुरुष आए गुरुदेव के दर्शन देने या दर्शन देने जो कहिए। एक संस्मरण हुआ, दूसरा सुनाते हैं, गुरुदेव को पाकघाट आश्रम में विराजमान थे, सब आसन से चित लेटे हुए थे, समय पूर्वाह्न लगभग 8 बजता होगा। एक मेरी नज़र गुरुदेव के चेहरे पर गई, तो देखते क्या है, एक फुंसी हो गई है, फुंसी लाल हो गई है। तो मेरे मन में हुआ फुंसी हो गई है, लाल हो गई है, दर्द जरूर होता होगा। तो हम क्या के उन्हीं के दाहिने हाथ की उंगली को अपने से पकड़ी और उन्हीं की उंगली को सटाई फुंसी पर,
तब मैंने उनसे निवेदन किया कि हजूर ये फुंसी भए गेल छै, लाल भए गेल छै, दर्दो होइ छै। गुरुदेव बोले देह को फुंसी हुई है, हमको दर्द नहीं होता है। अब देखिए क्या बोले, देह को फुंसी हुई है, हमको दर्द नहीं होता है। देह में रहते देह से अलग हर क्षण, ऐसे हम लोग गुरुदेव की जयंती हम लोग मना रहे हैं। जब ये संत अवस्था प्राप्त कर लिए, संसार के लोगों को, विश्व के लोगों को उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबू को गुरु नाम। क्या कहा इन्होंने संसार के लोगों से, गर्जा गौर से सुनिएगा। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अभू गुरु नाम, अभू गो गुरु नाम। ये संसार लोग सुनो, जो समय निकल गया तो निकल गया, उसमें अवशेष हो गया, लौट के आएगा नहीं। अब करना क्या है परम कल्याण के लिए, झट ही करो निज काम। निज काम क्या हो गया? देखिए गुरुदेव का एक एक उपदेश वेद की ऋचा है। झट ही करो निज काम, निज काम से मतलब क्या है? लोग ऐसा समझते हैं हम किसान हैं, खेती करना मेरा निज काम है, हम गृहिणी हैं तो घर का काम करना मेरा निजी काम है, हम शिक्षक हैं पढ़ाना मेरा निजी काम है, आदि आदि। लेकिन देखिए आप नहीं रहेंगे खेती होगी, आप नहीं रहेंगे घर का काम होगा, आप नहीं रहेंगे विद्यार्थी पढ़ेगा, निज काम क्या हो गया? निज काम यही है अपने से अपना मुलाकात कर लेना। जो अपने से अपना मुलाकात कर लेती हैं, ये परमात्मा साक्षात्कार कर लेती हैं, तब परम कल्याण हो जाता है। ये संस्कृत उपदेश दी, ऐसा ही करो निज काम। अब विचार ना ये है, हम इतने उम्र के हो गए, अपने देह का पहचान कर रहे हैं, मेरा शरीर काला है, गोरा है, सोन आदर, अपने कैसे हैं, अपना पहचान कैसे होगा? अगर कोई अपना पहचान करना चाहती हैं, इसके लिए बाहर में नहीं, निज तन में खोज सत्यन, बाहर ना खोजना। गुरुदेव की वाणी है, अपने अंदर खोज कीजिए, अंतर साधना कीजिए। क्या कीजिए? सपना पहचान हो जाए, हम लोग शरीर नहीं, शरीर हमारा जीव है, यह जीव अपने से अपना पहचान करता है। कब? जब अकेले हो जाता तब। मतलब क्या हो गया, हम जीव 14 इंद्रियों के संग में हैं, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, 5 कर्म इंद्रियां, आँख कान नाक जीव चमड़ा, 5 × 10 4 सबके भीतर में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 और 14 में एक भी नहीं रहे, तब अकेलापन हुआ, तब अपना पहचान होगा। इसलिए बाहर में नहीं, गुरुदेव का आज्ञा है अपने अंदर में खोजिए, अंतर साधना कीजिए। अंतर साधना में क्या कीजिए? अंतर साधना में परमात्मा जपने के बहुत से नाम हैं, दादू सृजन हार के केते नाम अनंत, उन नाम से एक नाम का जप करने के लिए गुरुदेव बताते थे, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, इसके बाद शून्य ध्यान, मतलब
ये जो हम लोग दो आँखें हैं और दोनों आँखों से जिस धार निकल रही है एक करने के लिए बताती थी, एक कैसे करेंगे, इसलिए क्या करना होगा। गुरुदेव संसार में उनको उपदेश दिए, इसके लिए दोनों आँखों दिशा देख के करने के लिए अंगुल द्वादश पर मतलब 12 अंगुल दिशाओं को जोड़िए, क्या हो जाएगा, अगर जुट जाएगी दिशा से क्या होगा, दो रेखाओं को मिलकर बिंदु कहते हैं, मतलब बिंदु का उदय हो जाएगा। कैसा बिंदु? परम बिंदु, जिसमें लंबाई छोड़ कुछ भी नहीं। जो उस बिंदु को जैसे देखते हैं अपने अंदर में, प्रणाम यह होता है 5 कर्म इंद्रियाँ 5 ज्ञान इंद्रियाँ उसकी छूटती है, लेकिन भीतर चार रह जाने पर भी जीव की दृष्टि खुल जाती है। इतने में जीव अपना पहचान नहीं कर पाता है, तब अपनी पहचान के लिए भीतर चार इंद्रियाँ छूट जाए, इसके लिए गुरुदेव की आज्ञा है कि सबके अंदर में शब्द हो रहा है, वह शब्द भेरोप चलता है। आप पढ़ेंगे सत्संग के चतुर्थ भाग में, आज सब सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य अविच्छिन्न अरभ्य प्रसन्नित हो रहा है। यह ऐसा सृष्टि का साराधार सर्वव्यापी और सत्य है। इस शब्द की जो पकड़ लेते अपने अंदर में, उनकी आदश खुल जाती। क्यों? भीतर चार इंद्रियां छूट गई। यही भेद गुरुदेव अपने जीवन काल उपदेश करते रहे। अगर अपना पहचान करना चाहते हो, परमात्मा साक्षात करना चाहते हो, तो अपने अंदर साधना करके चलो, असंतोष अलग हो जाओ। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? उनकी जो आज्ञा है उनके अनुसार समय पर जब ध्यान करना चाहिए, सिर्फ हम अंदर में चलें, संतोष अलग हो जाए, अपना पहचान कर लें, निज काम हो गया, साक्षात्कार परम कल्याण हो जाएगा। यह गुरुदेव की जयंती है, और कुछ काम होगा? मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, हम जितने आपके भक्त लोग हैं, सब लोग आपस में मिलजुल करके सत्संग ध्यान करें, एक दूसरे के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करें। श्री सद्गुरु महाराज। और सज्जनों, अभी हम लोग आराध्य देव की निजी सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ जी महाराज से गुरु महाराज के प्रसंगों आंखों देखे फल का वर्णन सुनते हुए पूज्यपाद ने कहने की कृपा की कि पूज्यपाद के बताए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन का परम कल्याण करें। तो सज्जनों, आप थोड़ी देर और शांति बनाए रखें। धन्यवाद ज्ञापन हमारे माननीय मंत्री महोदय।